Hello everyone, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Am I audible? Voice clear है? मॉक टेस्ट आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बना के खुद से, और इस मॉक टेस्ट को भी आप लगा ही लीजिए। साउंड नहीं है, दोबारा एक सेकेंड में ऑन करती हूँ। Now am I audible? Audible? अब आवाज आ रही है क्लियर आप सभी को? बैच टेस्ट स्टार्ट करें। टाइम हो गया है टेस्ट का, फटाफट से बताइए। टेस्ट शुरू किया जाए? ओके, जितने भी लोग हैं शुरू करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो, तो मैंने बनाया ये बैठ के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। इन चारों में से कौन सा सही सेंटेंस है? इन चारों में से कौन सा सही सेंटेंस है? फाइंड आउट द सेंटेंस। ये भाई कोई बात नहीं, लेट आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी टाइम दिया हुआ है, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आराम से आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले क्वेश्चन पे ही टाइम दे दिया है, एक्सप्लेन तो वैसे भी लेट ही होना है। चलिए एक्सप्लेन बाद में करूंगी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, टाइम के साथ ही आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, यूज नाउन फॉर्म ऑफ फैमिलियर। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, तो मैंने इसका ऑप्शन जान के नहीं रखा है। अब आपको बताना है कि फैमिलियर का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है। अगर आप आइडिया लगा सकते हो तो आंसर करो, अदरवाइज मैं आंसर बताऊंगी आपको, वही आपका आंसर होगा। ओके, तो टाइम अप हो चुका है। आई विल टेल यू, फैमिलियर देखो, इसके लास्ट में ए आर आ रहा है, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ए आर आता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे सिंगल से अगर हमें एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमें ट्राइंगल से एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है
तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगुलर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है जो ए आर ये सफिक्स है ये क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। अब हमें क्या बनाना था, नाउन बनाना था। अगर हम इस ए आर को हटा देंगे तो हम क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, हिज फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई। ध्यान हो तो रूल भी होता है कि स्पेलिंग का, कि वाई को हटाते हैं तो हम आई लगाते हैं, है ना, तो ये वही रूल है। तो फैमिली से ही वर्ड फैमिलियर बना हुआ है। हमसे नाउन पूछा था तो यूज नाउन फॉर्म ऑफ फैमिलियर, तो फैमिलियर का नाउन फॉर्म क्या बन जाएगा जी, फैमिली बन जाएगा। ठीक है, डन। सो हिज फैमिली विद द स्ट्रेंजर्स एस्टोनिस्ट एवरी बॉडी। यहाँ पे ये आंसर कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म है। यस, मैं चेक नहीं कर पाई कॉमेंट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, चेक करती हूँ किस किसने सही किया। केबल निखत ने सही किया था, नाइस। फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है, सही होना चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार करा दिया ये, है ना। चलिए, वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी केम लेट, शी वॉज पनिस्ड। आपको यहाँ अप्रोप्रिएट कंजेक्शन का यूज करना है, सो ट्राई इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ही होप्स ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक है। यहां पर आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करनी है, यूज कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे ही 25 क्वेश्चन होंगे वी विल एक्सप्लेन, ओके। सो फास्ट फास्ट आंसर करिए, पूरा पेपर बैठ के बना रही हूँ मोबाइल पे, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे पैटर्न वो करा पाऊँ जो आपके एग्जाम में काम आए। ही होप्स ब्लैंक, चलो भाई। सो द राइट आंसर इज सी। रुस्तम वॉज एज पावरफुल एज हिज ब्रदर। रुस्तम इतना ही शक्तिशाली है जितना कि उसका भाई। आपको क्या करना है, जो ये सेंटेंस दिया है इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। जो सेंटेंस का बिना मूल अर्थ बदले आपको क्या करना है, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। चलिए, टाइम अप, आंसर है ए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है बिना सेंस बदले। और क्वेश्चन नंबर 10 तक आके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू। आपको बताना है यहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए, कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड। ये जो वर्ड आपको दिया गया है डिफर, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानना है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, क्या है। आंसर आ गया है सी, फाइन। चलो अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर, मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ एक बारी, ठीक है, और उसके बाद वापस से हम आते हैं, ओके, और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर सकता है इन क्वेश्चंस को देख के, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा. एज द करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, इन चारों में से आपको सही सेंटेंस पहचानना था. ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एज ही इज केयरलेस. हाँ मुझे पता था 10 तक बहुत कम क्वेश्चन सही होंगे, इसीलिए मैं 10 पे ही आके एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको घबराना नहीं है, इसको यहीं के यहीं समझना है. सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, एज ही इज केयरलेस ही विल नॉट हियर व्हाट द टीचर सेज. चूंकि वह क्या है, लापरवाह है, और इसीलिए वो सुनता नहीं है जो टीचर कहता है. यहाँ पे जो हियर दिया है, ध्यान रखना हियर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सिर्फ सुनना. सुनना मतलब मान लो आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीछे से आपको बैकग्राउंड साउंड आ जाए, खटखट की कोई आवाज आ जाए, या आपको आवाज आ जाए बुक्स की पलटने की, कुछ भी ऐसी आवाज, तो उस कुछ भी अगर आप सुनते हो और उसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो वो क्या होता है हियर. जैसे पत्तों की आवाज, जैसे किसी भी ट्रैफिक की आवाज, उसका लैंग्वेज हम कभी समझ नहीं पाते. लेकिन लिसन का मतलब भी सुनना होता है. लिसन का मतलब सुनना कैसा होता है, अभी आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन जो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो भाषा आपको पूर्ण रूप से क्या आ रही है, समझ में आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लिसन. बस एक मिनट रुकना जरा, कॉल. नेट में भी बात करती हूँ ना. चलो बढ़ते हैं, है ना. तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हियर का यूज कहाँ करते हैं, जनरली कोई भी आवाज आती है, लिसन का यूज कहाँ करते हैं, जहां पर आपको लैंग्वेज समझ में आती है. तो जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ वो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिसन. और इसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन क्या आनी चाहिए, टू. इसका मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनना. ठीक है, तो यहाँ हियर टू आया हुआ है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि वो टीचर को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो एज ही इज केयरलेस, चूंकि वे लापरवाह है, ही विल नॉट लिसन टू व्हाट द टीचर सेज, तो वो नहीं ध्यानपूर्वक सुनता जो उसका टीचर कहता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू. तो यहाँ पर हमें करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना था, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस. आई थिंक ये सबका ही सही हुआ था, मे बी, जहां तक मुझे याद है. तो ध्यान दीजिए,
अगेन हमारे पास नो एक ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म जनरली प्रयोग नहीं करते, और अगर फोर आ जाता है तो ये भी क्लियर है कि परफेक्ट एस्पेक्ट आएगा, और अगर इसके साथ टाइम दे दिया जाता है तो ये भी क्लियर है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आता है ना। लेकिन हम इसका कॉन्टिन्यूअस तो लेके नहीं जाएंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पैसिव है, यहाँ प्रेजेंट क्या है, पैसिव है, ये भी पैसिव है। अगर यहाँ हम देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, शिखा हैज बीन नोन टू मी। अच्छा पैसिव ही है, लेकिन नो के साथ वर्ब कैसी आती है, टू आती है, टू फिक्स है, फॉर नहीं आती। ध्यान रखना नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ टू प्रीपोजिशन क्या है, फिक्स है। तो शिखा हैज बीन नोन टू मी फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बता ही दिया था थर्ड आप लोगों को। नेक्स्ट हमसे पूछा था एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखना एफ यू एल लग के एडजेक्टिव बन गया है, एल वाई लग के ये एडवर्ब बन गया है, ये ई डी लग के ये वर्ब बन गया है, और ये क्या ई डबल एस लग के नाउन बन गया है। तो हमसे एडजेक्टिव पूछा था, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट शी केम लेट शी वॉज पनिश्ड, जब आपको परिणाम बताना हो तो ऐसे केस में हम सो का यूज करते हैं, ऑल दो के साथ वैसे भी यट आता है तो ये हो ही नहीं सकता था, एंड जो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ता है और ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। शी केम लेट सो शी वॉज पनिश्ड, वह देरी से आई थी और इसीलिए उसको सजा मिली। ही होप्स, होप्स क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ कुछ चाहिए था, ये नाउन है, ये क्या है आपका इन्फिनिटिव फॉर्म है, और ये क्या है आपका, सॉरी ये इन्फिनिटिव फॉर्म इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ टू के बाद नाउन यूज कर लिया है, यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव सही है और ये एडजेक्टिव रॉन्ग है। ही होप्स, वो आशा करता है क्या, सफल होने का, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म, क्योंकि पर्पस बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो ही होप्स टू सक्सीड सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है रुस्तम वॉज एज पावरफुल एज हिज ब्रदर, रुस्तम जो है इतना ही शक्तिशाली है जितना कि उसका भाई। तो यहाँ पर एज एज से हमें ये पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री का है। अब हमें कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट पावरफुल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोर पावरफुल में, तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ देन आएगा। तो देखते हैं कहाँ पर ऐसा है, जहां नहीं है उसको आउट कर दो, जहां है उस पर हम सोचते हैं और विचार करते हैं। तो रुस्तम्स ब्रदर वॉज नॉट पावरफुल देन रुस्तम, रुस्तम का जो भाई है वो रुस्तम से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब रुस्तम उतना ही शक्तिशाली है जितना कि उसका भाई। तो ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। हिज ब्रदर इज नॉट सो मोर पावरफुल देन, है ना, यहाँ पर क्या कर दिया, सो भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, देन भी लगा दिया, गलत हो गया। यहां देखोगे तो दैट ऑफ लगाया हुआ है, इनकरेक्ट हो गया, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, आपसे किसी ने कहा कि हमेशा सत्य बोलो, इसका हमें नेगेटिव बोलना है और इस तरीके से बोलना है कि वो सही समझ जाए, तो हम क्या कहेंगे, भाई कभी झूठ मत बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा सच बोलो। तो डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, कभी सच मत बोलो, तो इसका मतलब क्या होता है कि झूठ बोलो तो ये गलत है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि हमेशा सत्य बोलो। एवरीवन डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, कोई भी सत्य नहीं बोलता, हमें चाहिए था सही नेगेटिव फॉर्म बिना अर्थ बदले, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, मान लो कि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना भी पड़ेगा, ठीक है। इफ और इन केस कभी भी दोनों साथ में नहीं आता, या तो इफ आना चाहिए या इन केस आना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। तो कंडीशनल्स बताने के लिए इन केस या इफ का में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस था, तो इन केस यहां पर सही बनेगा। डिफर, डिफर जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अंतर होना, ठीक है। और अगर हम इसके एडजेक्टिव की बात करें डिफर का, तो डिफर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है डिफरेंट, है ना, ठीक है। और अगर हम इसके नाउन फॉर्म की बात करें तो नाउन फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक। तो राइट आंसर क्या था, सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपको यहाँ पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस,
समझ में आ गए 10 क्वेश्चन? आज का लेवल बनाया मैंने ही है, कुछ चीजें ऐड की हैं आपके लिए ताकि किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। सो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये देखना है कि इन चारों वाक्यों में से कौन सा पंक्चुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है, पंक्चुएशन के हिसाब से कौन सा बिल्कुल सही लिखा है। द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प, रानी चिल्लाई मदद करो मदद करो। चलो मैं आंसर सब यहां साथ के साथ बताते हुए चलूंगी, ओके चलिए। सो द राइट आंसर इज बी। क्यों है? सबसे पहला कि कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पंक्चुएशन का जो पहला लेटर होता है, कोई भी सेंटेंस का जो इनिशियल लेटर होता है, कैपिटल होता है, इस बेसिस पर ये बाहर। अब इसने ये स्टेटमेंट दिया हेल्प हेल्प, जब सडन एक्सप्रेशन निकलते हैं, भैया एक सेकेंड है ना, एक मिनट, हेलो। चलो ठीक है, द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हेल्प हेल्प यहाँ एक स्मॉल एच लिख दिया है तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा, जब सडन एक्सप्रेशन होते हैं तो हमें ये एक्सक्लेमेटरी, ये भाववाचक वो होते हैं, क्या कहते हैं, विस्मयबोधक शब्द होते हैं, तो वहां में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ये बाहर। यहाँ दोनों में एक्सक्लेमेटरी साइन है लेकिन ये जो कॉमा लगा दिया है ये गलत है, और जो फुल स्टॉप लगा दिया ये भी गलत है। जब एक्सक्लेमेटरी साइन था तो फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं थी, तो बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इन चारों में से आपको सही स्पेलिंग का चुनाव करना है। हाँ जी, क्योंकि उसने 2 बार कहा ना हेल्प हेल्प, 2 बार कहा। हाँ जी चंदन, बिल्कुल यूज करेंगे, तभी तो आपको वो वर्ड सेंटेंस मैंने ढूंढ के दिया है। चलो भाई, तो ऑफुल का जो स्पेलिंग है लगता है हमें देखने में कि ये होना चाहिए AWE, बट इनमें से ये एक भी स्पेलिंग नहीं है, ध्यान रखना AWFUL होता है ऑफुल। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ब्यूरो। ब्यूरो का करेक्ट स्पेलिंग बताना है, और इम्पोर्टेंट दोनों ही स्पेलिंग है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ढूंढ ढूंढ के इम्पोर्टेंट लेके आई हूं आपको, तो दोनों ही स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है। ब्यूरो का स्पेलिंग आपको बताना है। ब्यूरो का मतलब होता है वही नौकरशाही, ध्यान रखना ब्यूरो में ई लास्ट में नहीं आता, यू ही रहता है। क्या होता है? BUREAU, ब्यूरो। ठीक है, इसी से ब्यूरोक्रेसी बना है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरर इन विच पार्ट। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको एरर का लेके आई हूं ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हमें एरर वाला नहीं कराया। ठीक है, तो एरर वाला वैसे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं शुरू में, बट आज का पैटर्न मैं वो सारे ढूंढ के लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए। फाइंड आउट द एरर इन विच पार्ट, अब बताना है आपको किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ऑल्दो ही इज एक्सपीरियंस्ड, यद्यपि वो अनुभवी है, बट ही इज नॉट एफिशियंट, लेकिन वो इतना भी वो नहीं है, कार्यकुशल नहीं है। तो ऑल्दो के साथ हमेशा क्या आता है, बट नहीं आता, यट आता है। तो आंसर किस बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 पे आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक और प्रैसेस करा देना चाहती हूँ ताकि आपके मन में ये ना रहे कि हमें प्रैसेस नहीं कराया। तरीका, पहले क्वेश्चन, वहां से कुछ क्लू ढूंढेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे और वापस से यहाँ आएंगे। टू सेल वन सोल्स टू द डेविल मीन्स, यहाँ पे कह रहा है कि टू सेल वन सोल्स टू द डेविल मीन्स, इसका अर्थ क्या है? ये तो पढ़ के ही पता चलेगा, है ना, इस लाइन को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या है। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ। जॉन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं सोचता धन के उद्भव के बारे में, और इनइक्वालिटीज इन लाइफ, और जीवन की असमानताओं के बारे में।
इट वॉज हिज फर्म बिलीफ, यह उसका दृढ़ विश्वास है, दैट इफ दिस वर्ल्ड वॉज नॉट गुड, यदि ये संसार अच्छा नहीं था, द नेक्स्ट वुड बी गुड, तो अगले वाला अच्छा होगा. एट दिस फेथ सस्टेन्ड हिम, और यह विश्वास उसको बनाए रखता है. ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स, वह अन्य लोगों की तरह, कुछ अन्य लोगों के जैसा नहीं था. Whom he knew, जो लोग जानते थे, who would sell their souls to the devil, कि उन्हें अपनी आत्मा को किस राक्षस के लिए बेचना है. He always thought of God, वह हमेशा ईश्वर के बारे में सोचता था. Before doing anything, कुछ भी करने से पहले. He lived the life of an honest man, वह हमेशा एक ईमानदार आदमी का जीवन उसने व्यतीत किया था. He had not married, उसने शादी भी नहीं की थी. But did not see another man's wife, और उसने दूसरी व्यक्ति के पत्नी को भी कभी नहीं देखा था. He believed, वह विश्वास करता था, that women weakened man, कि जो औरत की कमजोरी कौन होता है, औरत की कमजोरी हमेशा आदमी होता है. Was described in the story of Samson and Delilah. ऐसा किस स्टोरी में मेंशन किया गया था, Samson and Delilah में, कि औरत की जो कमजोरी होता है वो कौन होता है, उसका पुरुष. ठीक है, चलिए. To sell one's soul to the devil means आपको बताना है suppressing one's conscience, giving up goodness in exchange for evil, giving up one's honesty for the sake of monetary benefits, to sell oneself to earn livelihood. आपको बताना है इसका सही आंसर. आंसर बताइए, मिल गया आंसर? तो वो कैसा था भाई? वो ये कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी भी लाभ के लिए अपनी आत्मा को बेच दूं, है ना. कुछ लोग ऐसे थे कि किसी भी लाभ के लिए अपनी आत्मा को राक्षसों को बेच देते थे, है ना. सो सप्रेसिंग वंस कंसाइसेंस, इनकरेक्ट. गिविंग अप गुडनेस इन एक्सचेंज ऑफ एविल, एविल के बदले में अच्छाई को त्याग देना, बुराई के बदले में अच्छाई को त्याग देना, ऐसा उसने नहीं कहा, है ना. गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द शेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, यही धन के लाभ के लिए या किसी भी लाभ के लिए अपनी ईमानदारी को त्याग देने को हम क्या कहते हैं, टू सेल वन सोल टू द डेविल. ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी. ये अपने अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना था. नेक्स्ट, जॉन थॉट दैट विमेन वीकेंड मैन. जॉन सोचता था कि महिलाओं की जो कमजोरी होती है वो क्या होते हैं, आदमी होती है. क्यों? बिकॉज, आपको आंसर करना है. आई थिंक ये आंसर सबका सही आ जाएगा, बहुत सिंपल है. वेल डन निखत, क्या बात है. ही थॉट दैट वुमेन वर इविल, वो सोचता था कि जो महिलाएं हैं वो राक्षस होती हैं. ही बिलीव दैट अ वुमेन वॉज अ फैंसी डेविल, उसको ऐसा लगता था कि जो महिलाएं वो फैंसी मतलब दिखावे का राक्षसी होती हैं. ही थॉट दैट अ वुमेन वुड स्पॉइल हिज लाइफ, उसको ऐसा लगता था कि वुमेन अपने जीवन को खराब कर लेती थी. ही हैज कन्विंस्ड दैट व्हाट द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलिला स्ट्रेट इज करेक्ट. यस, वह इसी से प्रभावित था. नेक्स्ट, इट वॉज जॉन्स बिलीफ, यह जॉन का विश्वास था, दैट की क्या विश्वास था, आंसर करिए. जॉन का क्या मानना था कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए. वन कैन बी हैप्पी ओनली वाइन रिमेनिंग अ बैचलर, कि हर एक को अकेला रह के अपना एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए. द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, संसार एक अच्छी जगह है. देर इज नो अदर वर्ल्ड, कोई दूसरा संसार नहीं है. वन मस्ट लेड एन ऑनेस्ट लाइफ, उसको ऐसा लगता था कि हर एक को एक ईमानदारी भरा जीवन जीना चाहिए, जैसा कि उसने व्यतीत किया. वेल डन एवरीवन. बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ, जॉन शोड दैट, जॉन ने क्या दर्शाया, ये इच्छा जता के कि उसको किसी भी दूसरे की पत्नी को नहीं देखना है, उसकी कोई इच्छा नहीं है दूसरे की पत्नी की. कि कहते हैं कुछ लोग होते हैं ना, अरे इसकी पत्नी बहुत अच्छी है, लाइक इस तरीके से. उसने क्या दिखाया इस बात से,
कि बाई नॉट डिजायरिंग अनदर मैंस वाइफ, किसी और की पत्नी की इच्छा ना करके जॉन ने क्या दिखावा किया? ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड, वो शादी करना चाहता था. ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वह सिद्धांतों का आदमी था. ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन, उसको दूसरों को दूसरे आदमी को देख के दुख होता था. ही हैड नो डिजायर फॉर अनदर्स वेल्थ, उसकी कोई इच्छा नहीं थी दूसरे के धन को अपनाने की. इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि वो स्त्री को धन समझ रहा है ना. ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो ऑनेस्ट व्यक्ति था, उसको कोई इच्छा नहीं थी कि वो दूसरे की पत्नी को निहारे. यहाँ पे कहा था ना उसने, देखो ये रहा, ही हैड नॉट मैरिड बट डिड नॉट सी अनदर्स मैन वाइफ. ही बिलीव दैट वुमेन वीकेंड मैन वॉज डिस्क्राइब इन द स्टोरी. ही ऑलवेज थॉट ऑफ गॉड बिफोर डूइंग एनीथिंग. ही लिव्ड लाइफ ऑन ऑफ एन ऑनेस्ट मैन. तो ये सब क्या, ये उसके सिद्धांत है कि वह हमेशा ईश्वर पर विश्वास करता है, वह ईमानदार रहता है, उसने शादी नहीं की, वह दूसरे की पत्नी को नहीं देखता, उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है, उसकी कमजोरी है ना, राइट? तो उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि वो मैन धन है, वो एक ईमानदारी भरा जीवन जीता, अपने सिद्धांतों पर जीवन को जीता था. तो बी इसका सही आंसर था. Next, from the above passage, इस passage में जो दिया गया है, we understand, हम समझते हैं that John was, John कैसा था. इस passage से आपको क्या बात समझ में आई कि John कैसा था? बहुत ज़्यादा शिक्षित, not highly educated, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं था, a man of simple faith, एक साधारण से विश्वास वाला आदमी था, a deeply pessimistic man, a scholar of scriptures, बताओ क्या था? ट्रेन में है, ऑल द बेस्ट जी. चलिए, तो कैसा था भाई? नॉट हाईली एजुकेटेड, हमें क्या समझ में आया कि जॉन जो था साधारण सा व्यक्ति था बेचारा, भगवान पे विश्वास करता था, पराई स्त्री को देखता नहीं था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी फालतू की चीजों में, और अपने सिद्धांतों पे जीता था, है ना? A man of simple faith, a deeply pessimistic, pessimistic का मतलब होता है निराशावादी, कि बहुत ज्यादा निराशावादी था, ऐसा नहीं था भाई, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था. चलो क्वेश्चन 20, मैं आज आपको एक रीअरेंज भी लेके आई हूँ. समझ में आ गया पैसेज? किसी को पैसेज करने में कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? पॉइंट सिंपली क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन में जो शब्द हैं उसी को ढूंढने का प्रयास करो, पैसेज में आंसर तुरंत मिल जाता है. ठीक है जी, चलो भाई बताएं, हो गया? सो द राइट आंसर इज बी. अब ये रीअरेंज करना था, हमें यहाँ पे चार वाक्य दिए गए और चारों जंबल्ड हैं, इधर उधर हैं, और हमें इनको जोड़ना है और एक अर्थपूर्ण, हमें एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है. कैसे बनाएंगे, कोशिश करते हैं. ठीक है, अब हम एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि एलिमिनेटिंग मेथड से जाएं, कि यहाँ पे फर्स्ट दिया है, यहाँ फोर्थ दिया है, सेकेंड, यानी कि थर्ड पे हमें ध्यान नहीं देना, और हमें किस पे ध्यान नहीं देना, और हमें फिफ्थ पे ध्यान नहीं देना. इन तीनों में से कोई एक शुरुआत करेगा. चलिए फोर्थ को पढ़ लेते हैं. ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, उसने एक से दो मिनट का इंतजार किया था. इसका मतलब कुछ तो पहले घटित हुआ होगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, फर्स्ट पे आते हैं. ही ट्राइड द डोर, उसने कोशिश की. ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं फिफ्थ क्या है. He tried the door, it opened easily. तो बिल्कुल door को ही open किया था, तो ये link हो गए एक दूसरे से, door और open. He tried the door, और door के लिए ही it pronoun आ गया, है ना? He tried the door, it opened easily and उसने कोशिश किया और आसानी से दरवाजा खुल गया. And he peeked in, और इनके बाद क्या आना चाहिए, noun आना चाहिए, है ना? तो
फोर्थ के बाद नाउन आना चाहिए, तो थर्ड का कोई सेंस ही नहीं है, थर्ड नहीं है, ये सारे एलिमिनेट हो गए. इन द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, देन ही स्टेप्ड इन टू द रूम. तो बी यहाँ पर सही आंसर है कि उसने दरवाजे को धीरे से खोलने की कोशिश की, खुल गया, ही पीक्ड इन द रूम, वो रूम में था, वॉज नीट एंड क्लीन, उसने देखा कि उसका जो रूम है वो कैसा था, साफ सुथरा था, देन ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, बस उसने एक से दो मिनट का इंतजार किया, देन ही स्टेप्ड इन टू द रूम, और उसने रूम में क्या रख दिया, कदम रख दिया. नेक्स्ट, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ऐसे सोल्जर जो घोड़े पे सवार होके युद्ध लड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बताओ, उनको हम क्या कहते हैं, चलिए. सो द राइट आंसर इज सी. से कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, है ना, घुड़सवार सेना, यानी कि घोड़े पे सवार होके जो सेना बार करती है उसको हम कैवलरी कहते हैं. ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे बहुत प्यारा सा है, आर्टिलरी. आर्टिलरी का मतलब क्या होता है, तोप खाना, जहां पर तोप रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिलरी कहते हैं. एक वर्ड यहाँ और भी है, इन्फेंट्री, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है. तो इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, जो पैदल वार करती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्री कहते हैं. आर्मर का मतलब क्या होता है, सहस्त्र, यानी कि जितने भी ये इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गन वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं, आर्मर्ड कहते हैं. ठीक है, क्लियर, ठीक है, या एक तरीके से कवच कह सकते हो आप, किसी भी चीज को ढकने का कवच, एकदम बंद, क्लोज, ऐसे. नेक्स्ट, अ मैन हु वेस्टेड हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बताओ. एक्सटेम्पोर आपको करा ही रखा है, ठीक है, वेल डन. सो द राइट आंसर इज सी, थ्रिफ्टी को ध्यान से ध्यान रखें, थ्रिफ्टी भी इंपॉर्टेंट है. थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफायती, किफायती का मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ के खर्च करता है, इसको इकोनॉमिकल भी कहते हैं, कंजूस नहीं होता, ये सोच समझ के खर्च करता है. एक्स्ट्रावेगेंट वो व्यक्ति होता है जो फालतू का खर्च करता है, उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं. तो राइट आंसर क्या होगा, सी. नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेट का स्नोनेम आपको बताना है, सो ट्राई टू गिव द आंसर. ऑब्ड्यूरेट इंपॉर्टेंट है, ऑब्ड्यूरेट का स्नोनेम आपको बताना है, बताइए. ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है. कई बार एग्जाम में एज इट इज आ जाता है. एंग्री का मतलब होता है क्या, गुस्सा होता है. एंड काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है. एंड ऑबेस्ट का मतलब होता है किसी चीज में खोया रहना. एंड एडेमेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है. हमसे क्या पूछा है, स्नोनेम, तो आंसर क्या हो गया, डी. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज का आपको बताना है स्नोनेम. ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना होता है, बहिष्कार करना, या इसको कई बार आउस्ट भी कह देते हैं, जिसका दूसरा हिंदी मीनिंग होता है देश निकाला कह देते हैं, या दूसरा हिंदी मीनिंग निर्वासित करना भी होता है, मतलब निकाल देना, है ना, किसी चीज को, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैनिश कहते हैं, है ना. आपने एक वर्ड इसका सुना होगा, बैन, है ना,
ISH लग के बस ये एडजेक्टिव बन गया है। तो ऑस्ट्रेसाइज एंड बैनिश, इन सब का मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना या देश निकाला, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, या आपने एक वर्ड और सुना होगा बिग बॉस के घर में, इविक्टेड, बाहर करना, है ना। इविक्ट का मतलब भी क्या होता है? बाहर करना, या एक्सपेल का मतलब भी क्या होता है? बाहर करना। सिंस्योर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है निंदा करना, घोर निंदा, क्रिटिसाइज। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सजा देना होता है, ठीक है। एंड बिरेट का मतलब क्या होता है? डांटना होता है, जिसको आप रिव्यू कह देते हो या जिसको आप चाइड भी कह देते हो, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इज सी। लास्ट वन, इरुडाइट। इरुडाइट का आपको ऑपोजिट बताना है, सो ट्राई कीजिए। बफरिंग हो रही है, अभी भी हो रही है बफरिंग, थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। मेरे फोन में तो नहीं हो रही है बिल्कुल भी, आपके यहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू चल रहा होगा। वो कुछ सेकंड्स की चल जाती है, 1-2 सेकंड की, जब हम पीपीटी आगे बढ़ाते हैं ना, तो 1-2 सेकंड की वो शो होती है। हाँ, बारिश हमारे यहाँ भी है। सो ऑपोजिट मीनिंग आपको बतानी है इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब होता है पंडित या ज्ञानी। क्या होता है डियर? इरुडाइट का मतलब होता है पंडित या ज्ञानी। ये पंडित कास्ट वाइज नहीं, यहाँ पंडित से मतलब ज्ञानी ही होता है। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़ होता है ना। क्रूड का मतलब क्या होता है? कच्चा होता है। बोरिंग का मतलब क्या होता है? उबाऊ होता है। और इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी होता है। ध्यान हो तो मैंने बताया भी था कि इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना, बल्कि इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? इरुडाइट का इग्नोरेंट। इसका अगर स्नोनेम की बात आएगी तो स्कॉलर का मतलब भी यही होता है, इरुडाइट स्कॉलर, दोनों का मतलब क्या होता है? ज्ञानी होता है, ठीक है। तो आज का सेशन खत्म हो गया यहीं पे। फटाफट से बताओ मेरे को, आप लोगों के कितने मार्क्स बने 25 में से, क्योंकि लेवल तो आपने देख ही लिया होगा आज का। कोई बात नहीं, बहुत गलत हुए तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का आसान ही आएगा, कोशिश मत करो। बट मैंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, और कभी भी आए, आप कभी भी टैट देंगे, सी टैट देंगे, एस टैट देंगे, आपको हमेशा काम आएंगे ये सारी चीजें। इस तरीके से मैंने पढ़ाया है कि चाहे आप भले ही सीजीएल भी क्यों ना दो तो भी काम आएगा, चाहे आप एमटीएस दो, स्टेनो दो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, हमेशा ही काम आएंगी ये चीजें, है ना। तो पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर देती हूँ आप लोगों को, ओके। और कल से हमारा कोई सेशन नहीं होगा, आज ये लास्ट था, ओवर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी मैं बस आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि घबराना है नहीं, पेपर करके आना है अच्छे से, ठीक है। और अपने नंबर शेयर करते हैं ना गूगल फॉर्म के माध्यम से, तो जब आपका वो होगा तो बता देंगे आपको। ठीक है, ओके, चलिए। इतना थैंक यू की वर्ड नहीं है, थैंक्स अ लॉट, इनफाइनाइट कह सकते हैं अगर वर्ड नहीं है तो, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में। जब आपके पास शब्द ना हो तो मैथमेटिक में इनफाइनाइट बना दो, इंग्लिश में बोल दो। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। शाम को 7 बजे वाले सेशन में जुड़िएगा, आप में से कोई भी अगर एसटेट की तैयारी कर रहा है तो वहां पे वगैरह में आप जुड़ जाना, ठीक है। चलो, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना मेरे कोड को, BY515 को। और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है Adda247 की ऐप पे, इंग्लिश बाय दीप्ति राजपूत। कभी भी आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क फ्रीली, आराम से आप पूछ सकते हो, हमेशा पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट निखत, एंड लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।
एंड प्लीज रेट मी, रेट कर देना. ओके, थैंक यू.